लाइव है तस्वीरें और जिला परिषद वार्ड नंबर 24 में कड़ी टक्कर है और इस समय पूजा देवी वाइफ और सुनील सिंदर जो है अपने नामांकन के लिए करनाल प्रस्थान होंगे। अपने ग्रामीणों के साथ, आसपास के जो गांव के लोग हैं, साथी हैं उनके साथ, किसान नेता छत्रपाल हमारे साथ, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन वार्ड 24 में बड़ी जबरदस्त टक्कर है क्योंकि इसके अंदर जो कैंडिडेट है वो बड़े दमदार है, जिनका भाईचारे की बात करें या फिर सोशल वर्कर है वो जबरदस्त है। देखिए आज जयसिंहपुरा में एक तरफा, क्योंकि पता है जनता दुखी है बीजेपी से, तो बीजेपी की तरफ कोई नहीं जाएगा गांव से, सारे दुखी हैं। 1-2% लग रहे बेचारे, बीजेपी का तो कैंडिडेट है को नहीं नेता जी, नहीं बीजेपी जेजेपी का विरोध है गांव में। ठीक, कैंडिडेट से हमें कोई मतलब नहीं, हमारी मतलब ये है जी बीजेपी जेजेपी, चाहे वो पंचायत समिति का हो, चाहे मेंबर हो, चाहे सरपंच का हो, चाहे जिला परिषद का हो, किसी को भी वोट नहीं देना। जब वोट नहीं दोगे तो तभी तो इनको अकल आएगी, तभी इनको एहसास होगा भाई तुमने ये गलती की। अगर अब भी आंदोलन में तो वैसे पूरे गांव ने सहयोग किया, मुझे आस है इस गांव पे आज भी और पूरे ब्लॉक असंध पे, यहाँ से बीजेपी को रहने का पूरा ब्लॉक काम करेगा और सुनील सिंदर के साथ पूरा गांव है, एक तरफा मोहल्ला है, 10,000 वोटों से सुनील सिंदर जीतेगा। गांव में आसपास के दौरे आपने किए हैं, क्या स्थिति है? वार्ड 24 में कैंडिडेट भी दमदार है, फाइटिंग भी जबरदस्त है, आपने कहा भी 10,000 से जीतेगा, तो क्या माहौल लगा आपने आस पड़ोस गाँव? देखिए हम जबाड़ा भी गए थे, फपड़ाना भी गए, रंगरूटी खेड़ा भी गए, सभी ने आश्वासन दिया, जहाँ भी जाते हैं यही बोलते हैं ज्यादातर लोग, तो हम बीजेपी को वोट नहीं देंगे, जाते यही बात बोलते हैं, उनका बोलना भी सही है। बीजेपी से आज हर वर्ग दुखी है, पूरा सुनील सिंदर के साथ समर्थन, नेता जी के मन में बीजेपी और जेजेपी को लेकर के कहीं ना कहीं रुष्ट है, उनके कारण क्या है वो भी नेताजी बताएंगे, क्या कारण है नेताजी जिनसे आप इतना रुष्ट है? देखिए 13 महीने जो आंदोलन चलिया, पहले बोल रहे थे भी मोदी तो मानेगा नहीं किसानों की, और किसानों पर लाठियां भी चला गए और 750 किसान मरे हैं, वो याद तो रखने चाहिए, वो हमारे भाई तो थे, कोई काका था कोई ताऊ था। अगर आज उन किसानों को भूल कर हम आप बीजेपी पे वोट देते हैं तो हमारे से निकम्मा तो कोई है ही नहीं। तस्वीरें हैं लाइव और अभी पहुंचेंगे करनाल और सत्यवान भी हमारे साथ है, एक सिंपल से किसान है, उनकी भावनाएं क्या है? सत्यवान जी आज कहाँ की तैयारी है और क्या किसान नेताओं के साथ आपका तालमेल है? बिल्कुल जी, हम भी किसान संगठनों से जुड़े हुए हैं और जी किसान आंदोलन के बाद जो है ये हमारा पहला मतदान का अवसर है और हमारा मतदान जो किसान आंदोलन में शहीद है उनको समर्पित होगा, जेजेपी बीजेपी को चोट देने का काम करेंगे जी। तो ये लंबा काफिला यहाँ से निकलता हुआ गांव जयसिंहपुर की तस्वीरें हैं, पूजा देवी वाइफ ऑफ सुनील सिंदर की यहाँ से अभी रवाना होंगे और नामांकन करने के बाद अपना चुनाव प्रचार प्रसार जोरों पर करेंगे। और नरेंद्र सिंदर हमारे साथ हैं, नरेंद्र जी क्या स्थिति है और क्या आप आज नामांकन के लिए जा रहे हैं, आप लोगों की कैसी स्थिति है? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का असंध अंचल का तहदिल से धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने आप लोगों ने जो आज वार्ड 24 से सुनील जी सिंदर जी और हमारी बड़ी भाभी पूजा देवी जी नॉमिनेशन करने के लिए जा रही है, आज पूरे गांव में एक उत्साह है और एक बड़े दृढ़ संकल्प लेकर हमें सुनील भाई को और पूजा देवी को विजय बना के लाएंगे। कम से कम मेरा अपना अंदाजा है कि टोटल आज पूरे गांव का समर्थन सुनील को मिला हुआ है और आने वाले समय में कम से कम आप 10,000 से सुनील की और पूजा जी की जीत होगी और इस जीत के लिए आप सब का धन्यवाद करता हूं मैं। और ये समझो कि किसान कमेरे की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इनके साथ हैं, हमारा भाई है, सुनील को हम विजय करके लाएंगे। नेताजी ये भी तो जेजेपी का है, चलो इस भाई ने भी आज हमारा समर्थन किया, इसका भी हम धन्यवाद करते हैं, ये भाई हमारे साथ है। नरेंद्र जी ब्लॉक समिति में खड़े थे, बड़ा कुछ नहीं ऐसा है, ब्लॉक समिति 22 वार्ड से मैं खुद कैंडिडेट था लेकिन समय की परिस्थिति को देखते हुए मुझे भाईचारा चाहिए, समाज चाहिए, इलेक्शन आने जाने चीज है, 5 साल के बाद भी आता है। आज जो मेरे समर्थक थे जिन्होंने मेरे को ब्लॉक समिति में 22 वार्ड से समर्थन दिया था, मैं आज जोड़ के उनसे अनुरोध अपील करता हूँ कि कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई भाईचारे की, समाज की और गांव की, गांव और समाज से बड़ा नहीं हूं मैं क्योंकि इलेक्शन हर 5 साल के बाद आता है, उन सभी दरखास्तों से आज जुड़ के मैं माफी मांगता हूं कि आज मैंने अपना जो ब्लॉक समिति का नॉमिनेशन था वो कैंसिल करना पड़ा और सुनील भाई का समर्थन किया। और मैं सभी जितने भी मेरे दर्शक हैं गाँव में गुहांड में, मैं सभी से एक अपील करूंगा कि आने वाली 9 तारीख को भाई सुनील का जो चुनाव चिन्ह होगा, हमारी पूजा भाभी देवी का जो चुनाव चिन्ह होगा, उस पर ही वोट करें और उनको विजय बनाए, ये सुनील की जीत नहीं होगी, आप सभी की और हम सब भाइयों की जीत होगी।
भाई जिला परिषद वार्ड नंबर 24 में बड़ी दमदार टक्कर है और बड़े बड़े नेता आप लोगों के बीच में आएंगे, वो आपको भिड़ाने की कोशिश भी करेंगे, आपके जज्बातों से खेलेंगे, आपको कहेंगे उसके खिलाफ खड़ा जा, आपको ये भी कहेंगे उसके खिलाफ ऐसा कर, उनकी बातों में आने की जरूरत नहीं। आपका वोट है, आपका वोट आपकी कीमत है। जिस व्यक्ति को आप अपना वोट देंगे उसके अंदर जज्बा होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए। अच्छा कैंडिडेट चुने ये आपका हक है। और भी साथी हमारे साथ हैं और बुजुर्ग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। और हमारे अंकल जी हैं। अंकल जी, आज कहाँ की तैयारी है और किस तरीके से देखते हैं, कितना दमदार है? भाई पत्रकार महोदय, आपका यहाँ पहुँचने पर ये सारे गांव के लोग खड़े हैं जयसिंहपुर के। आज ये करनाल जा रहे हैं जिला प्रसिद्ध वार्ड नंबर 24 पूजा देवी वाइफ सुनील कुमार के समर्थन में सभी साथी हैं। और ये इसलिए भी हैं, इनमें कुछ लोग हैं अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, अलग अलग पार्टियां के लोग भी हैं, क्योंकि जो 13वीं आंदोलन चला किसानों का, उसमें जितना बीजेपी ने नुकसान कराया, जो लॉकडाउन के अंदर 3 काले कानून लेकर सरकार आई बीजेपी, उसके विरोध में ये समर्थन इसलिए ज्यादा कर रहे हैं लोग कि भाई ऐसे आदमी को बनाओ जो किसानों के बीच में हो, किसान हो, जो बीजेपी का है उसको रिहाओ, चाहे वो नीचे मेंबर है, सरपंच है, ब्लॉक समिति है, जिला प्रसिद्ध है, माले कोई भी साथी है उसको हरियाणा चाहिए बीजेपी का। इसलिए आज ये करनाल जा रहे हैं साथी, फार्म भर आएंगे और इसको पूजा देवी वाइफ सुनील सिंधड़ का समर्थन करें सभी साथियों ने मिलकर, और इसको जिताने की मतलब अपील कर रहे हैं सभी साथी, हम भी कर रहे हैं, तो इसमें करनी चाहिए। हमें कोई व्यक्तिगत कोई विरोध नहीं है और हम ये भी अपील करते हैं आपका चैनल के माध्यम से, भाई कोई ऐसा शब्द ना बोले जो पीच हो किसी को भी, सब भाई हैं, इलेक्शन है, शांति से हो, जिस भाई का जहां जी करे वहां वोट दे सकता है, जिस भाई का जहां मन करे वह दे सकता है, लेकिन बीजेपी का विरोध के कारण इस भाई का समर्थन किया गांव ने और करना चाहिए गांव का हिसाब से। और भी कैंडिडेट आएंगे, अभी पता नहीं है कौन आए कौन ना आए, वो बेरा लग जाएगा, 31 तारीख को पता लगेगा, निशान मिलेंगे, उसके बाद फिर क्या कहेंगे भाई? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद दल का दिलबाग सिंह, आज ये नॉमिनेशन हो रहा है पूजा देवी का वाइफ ऑफ सुनील कुमार, 17 गांव का इलेक्शन है जिला परिषद का, वार्ड नंबर 24 का, बढ़िया नेता है, सोशल आदमी है, पूजा देवी भी सेवा गांव की तरफ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि इसने मतलब किसानों ने बहुत साथ दिया है सुनील कुमार ने, दिल्ली तक के भी, आसपास के भी गांव में भी, अब भी इसका बहुत रसूख है। हमारी तो एक अपील है बीजेपी और जेजेपी को छोड़ कर, एक ये कैंडिडेट है जो कॉमन आदमी है, सभी से अपील है कि भाई जो भी निशान मिले पूजा देवी को बीजेपी बनाओ, आपका हमारी कामयाबी आपकी कामयाबी है। बाकी सब देखिए, लोगों का जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ जो है काफी रोष है, और अंकल जी से भी बात करेंगे, इनके विचार लेंगे। आज अंकल जी कहाँ की तैयारी? आज जी जिला प्रसिद्ध सुनील सिंधर की फार्म भरने के लिए तैयारी है। ठीक है, हाँ। और विजय को लेकर कितना स्वस्थ है? विजय के लेकर जी गांव तो 99% गांव में तो इसकी जीत जीती है, और बैरगुंडा में पहले से डबल है, अब कहते तो इसकी पांच लगे जाएगी। हाँ, रे बात जो बीजेपी का विरोध है, बीजेपी के विरोध से शिला ज्यादा वोट है, भारी है आज का टाइम। हाँ हाँ, आज का टाइम है। और इस समय काफिला यहाँ से निकलता हुआ, और अरे कैंडिडेट के दर्शन करवा दो भाई, और पहुंच चुके हैं कैंडिडेट हमारे बीच में, उनसे बातचीत करेंगे क्या तैयारियां हैं और पूरी तैयारियों को लेकर के अपने जत्थे के साथ चले हैं। और सबसे पहले सभी के राम राम करो जी। राम राम जी। आज नामांकन के लिए पहुंच रहे, सबसे पहले शुभकामनाएं, और किस तरीके की तैयारियां, क्या मैसेज देंगे? तैयारी देखो, ग्रामवासियों के सभी बुजुर्ग नौजवान साथी माता बहने और सभी वार्ड 24 के बुजुर्ग नौजवान साथी माता और बहनों से हम आशीर्वाद लेकर के चले हैं, और सबने हमें बहुत बहुत प्यार आशीर्वाद सहयोग दिया है, हम उनका सभी का धन्यवाद करते हैं, और हमें उनसे आशा और उम्मीद है वो अपने कीमती वोट से हमें सफल बनाएंगे, हम उनका सभी का धन्यवाद करते हैं। वार्ड नंबर 24 से हम जिला परिषद का पार्षद पद के लिए हम उम्मीदवार, हमारी वाइफ पूजा वाइफ, पिछली बार भी जैसे आपने इलेक्शन लड़ा था उसके अवेज में आपकी बार कितनी मजबूती? अबकी बार में तो क्या मजबूती बताएं आपको, देखो पिछली बार तो हम 25 पर थे, अब की बार हम भाइयों के बुजुर्गों के सहयोग से 100 पर हैं,
देखो हमें प्यार में कोई कमी नहीं मिली थी, सभी गांव से हमें वोट मिले थे और बहुत अच्छे मान सम्मान के साथ मिले थे। अगर किसी भाई ने हमें खुदा ना खासा किसी कारणवश वो हमें वोट ना दे पाया तो उन्होंने भी हमें जो प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था, वो बहुत दिल से दिया था। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अब की बार का भी और जो पिछली बार उन्होंने हमें आशीर्वाद प्यार दिया था, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। गांव से कितनी मजबूती है अभी आपके गांव की बात? देखो जी, गांव की बात मजबूती की है। हमने इलेक्शन कोई किसी के विरोध में या किसी के टकराव में नहीं लड़ा। हम इलेक्शन एक अपने प्यार भाईचारा के आशीर्वाद से लड़ा और हमने सबसे इजाजत लेके इलेक्शन लड़ा है। देखो भाई, हमारे पास धन बल नहीं है, राज बल नहीं है, हमारे पास कोई बहु बल नहीं है, हमारे पास तो हमारे भाइयों का, बुजुर्गों का आशीर्वाद का बल है और उसी बल के ऊपर गांव से हमें लगभग हम ये मानते हैं भाई 90% हमें उम्मीद है भाई हम पूरा वो करेंगे जिसके अंदर बाकी। और देखो सभी का गांव, अन्य गांव की क्या स्थिति है? अन्य गांव की बहुत बहुत अच्छी स्थिति है। चाहे हम किसी गांव की बात करें, चाहे हम अरडाणा की भी क्यों ना करें जिससे 3 कैंडिडेट हैं, या हम पोपड़ा कोलखेड़ा जोली की बात करें जहां से 3 कैंडिडेट हैं, या बाकी हम रंगरूटी खेड़ा जबाड़ा फपनाणा दुपेडी पदाणा मतलब अपना कबूलपुर फैजपुर डेरा फत्तू, ऐसा कोई गाँव नहीं है जहाँ जीत जाते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा? जीत जाने के बाद सबसे पहला काम तो अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद होगा, उनका धन्यवाद होगा। क्या ऐसी कमियां जो आप करना चाहते हैं, दूर करना चाहते हैं? दूर करना चाहते हैं, सबसे पहला काम हमारी प्राथमिकता होगी सफाई, शिक्षा और पानी की निकासी, हमारी सबसे प्राथमिक यही होगी। हम इसके ऊपर ही हमारी बहुत लंबे टाइम से हम इस संघर्ष से जुड़े हुए हैं, जो कि हमारे बीएस मलिक डिप्टी कमिश्नर करनाल थे उस टाइम से, आज से नहीं, हम 15-20 साल से हम उस मुहिम से जुड़े हुए हैं। जो शिक्षा स्वास्थ्य का और सफाई का जो काम है वो हम लंबे टाइम से करते हैं। देखो हम तो सफाई कर्मचारी भी हमें कुछ कह देते हैं, कुछ गांव में जाते हैं, लेकिन हमें कोई उस बात से कोई दिक्कत नहीं है। हम सबसे पहले हमारी यही लड़ाई होगी, यही मुहिम होगी। ठीक है, धन्यवाद। और लाइव तस्वीरें नेताजी आप आ जाओ हमारे साथ। तो किसान नेता छत्रपाल हमारे साथ है और आज एक लंबा काफिला यहाँ से निकलता हुआ। और नेताजी आसपास के गांव में क्या स्थिति है? स्थिति बहुत बढ़िया और मैं आपके माध्यम से प्रार्थना भी करना चाहता हूँ सभी से भाई, ज्यादा से ज्यादा सुनील सिंदड़ को वोट दो और बीजेपी को हराने का काम करो। अच्छा। बीजेपी का चाहे कोई भी कैंडिडेट है उसको हराने का काम करो। बीजेपी नेताजी के मन में जेजेपी और बीजेपी को ले, अभी तो कह रहे बीजेपी काम खूब कर रही है। नहीं नहीं कुछ नहीं काम करी, सारा देश बेच दिया बीजेपी ने तो। बीजेपी आपने देखे कितने दिन तो किसान, अभी पराली का मुद्दा था पराली पे चढ़ाने पे, वैसे तो मोदी ने कह दिया अभी पराली चढ़ा सकते हो, अभी ये नीचे वाले कर्मचारी कह रहे कोई पराली नहीं चढ़ानी। अच्छा। किसानों को जबरदस्ती जुर्माना कर रहे हैं लेकिन कोई घबराने की जरूरत नहीं है। किसान जागरूक हो सके और सुनील सिंदड़ को हम ज्यादा से ज्यादा वोट भाई करनाल नॉमिनेशन भरने जावांगे। ठीक है, ये काफिला यहाँ से निकलता हुआ और इस समय काफी गाड़ियां और ये जो लोग हैं यहाँ से करनाल पहुंचेंगे अपना नॉमिनेशन भरने के लिए। पूजा देवी वाइफ ऑफ सुनील सिंदड़, वार्ड नंबर 24, एक जबरदस्त वार्ड है, बड़ी कांटे की टक्कर है, कुछ ही वोटों से ऊपर नीचे होगा क्योंकि कैंडिडेट इतने स्ट्रांग हैं सभी, चाहे मैं अडाणा की बात करूं या फिर मैं कोलखेड़ा की बात करूं, जयसिंहपुर की बात करूं। ये ले भाई फोटो, पूरी तैयारियां और पूरे दल बल के साथ यहां से निकलते हुए और लाइव है तस्वीरें असंदल चल हरियाणा के प्लेटफॉर्म से और काफी गाड़ियां, दूर तक का एक काफिला यहां से निकलता हुआ और करनाल के लिए रवाना और बड़ी कांटे की टक्कर। जी हाँ, बड़ी कांटे की टक्कर जो है यहां अभी नजर आएगी वार्ड 24 से। अपने दल बल और सभी जो लोग हैं यहाँ से निकलते हुए करनाल के लिए ये लोग अभी रवाना होंगे, नामांकन भरने के बाद जो अपने चुनाव प्रचार प्रसार के लिए वापस आएंगे। लेकिन किसानों के अंदर जेजेपी और बीजेपी को लेकर के कुछ रुष्टता है, उससे सरकार को चाहिए कि बहुत बहुत शुभकामनाएं कि जो भी कैंडिडेट प्यार प्रेम से जो है मैदान में और मैसेज क्या देंगे जी? सब ने राम राम है और सब राम राम बढ़िया, सब किसानों ने अरब जीतांगे 100% है, बाबा सरबंगी जीताओगे जरूर 100%। तो देखिए पूरा दल बल के साथ यहाँ से निकलते हुए और बताना चाहूंगा
वार्ड 24 जो एक ऐसा वार्ड है जहां लगभग लगभग कांटे की टक्कर कहूं तो कोई दायर राय नहीं होगी, और इसमें जो कैंडिडेट है वो बड़े ही मजबूत है। तो दोस्तों अपने विवेक से काम लीजिएगा, वोट उस व्यक्ति को दीजिएगा जो आपको विकास करने वाला नजर आता हो, आपके भाईचारे को मेंटेन करने वाला नजर आता हो, तो ऐसे ही व्यक्ति को आप जरूर वोट दें। बने रहे असंदल चल हरियाणा के साथ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। अपनी गाड़ी दिखा दे भाई। और इस समय असंदल चल का यह रथ जो है सभी सभी गाँव में जाएगा, और आपको हम बताएंगे कौन मजबूत है, कौन जीतेगा ये जंग। बहुत बहुत धन्यवाद।